इस मूवी की शुरुआत में हम जर्मनी में कुछ नाजी सेना को देखते हैं जो एक आदमी और उसकी वाइफ को पकड़कर मारने के लिए कहीं ले जा रहे होते हैं। फिर फाइनली वो लोग उन दोनों को एक ऊंची सी बर्फीली पहाड़ी पर ले जाते हैं। फिर नाजी सेना का कमांडर उन दोनों के बारे में उन दोनों से पूछने लगता है क्योंकि उन लोगों को ऐसा लग रहा था कि ये दोनों रूसी जासूस हैं। लेकिन तभी वो आदमी उन लोगों को ये समझाने लगता है कि वो सिर्फ एक एक्टर है। वो हॉस्पिटल में छोटे मोटे शोज करके अपना गुजारा करता है और वो यहीं पर जर्मनी में रहता है। नाजी सेना का कमांडर उससे नाटक दिखाने को कहने लगता है। उस आदमी ने अपना लुक बिल्कुल हिटलर की तरह बना रखा था और वो हिटलर की तरह ही एक्टिंग करने लगता है। थोड़ी देर बाद में जब उसका प्ले खत्म हो जाता है तो वहां पर सभी को उसका प्ले पसंद आता है, लेकिन नाजी सेना के कमांडर को उसका प्ले बिल्कुल भी पसंद नहीं आता। उसके बाद में वो अपने सैनिकों को उसको मारने का ऑर्डर देने लगता है, लेकिन तभी अचानक से उन लोगों के ऊपर गोलियां चलनी शुरू हो जाती है और एक एक करके नाजी वहां पर मरने लगते हैं। फिर धीरे धीरे करके वहां पर सारे नाजी मर जाते हैं क्योंकि उन लोगों को ये भी नहीं पता चल पाता कि गोलियां कहां से चल रही हैं। लेकिन उन लोगों ने जिस आदमी को पकड़ा था वो आदमी अपनी वाइफ के साथ में बच जाता है। लेकिन तभी वहां पर एक आदमी बंदूक के साथ में आ जाता है, फिर वो मरे हुए नाजी सेना के पास से खाना लेकर चला जाता है। एंड वो एक्टर आदमी उस आदमी का नाम भी पूछने की कोशिश करता है, लेकिन वो आदमी उनसे बात नहीं करता और वो खाना लेकर वहां से चला जाता है। उस आदमी का नाम रेड गोस्ट होता है, जिससे नाजी सेना बहुत ज्यादा डरा करती थी। रेड गोस्ट के बारे में ऐसा कहा जाता था कि उसने अकेले ही 100 नाजी सेना को मार गिराया था। नाजी सेना उसको हमेशा से ढूंढना करते थे क्योंकि वो लोग उसको मारना चाहते थे। ये जर्मनी में चोरी चोरी नाजी सेना को मार रहा होता है। फिर उसके बाद हम एक रूसी सोल्जर के ग्रुप को देखते हैं जिनके कमांडर को चोट लग गई थी और वो अपने कमांडर को उठाकर हॉस्पिटल की तरफ ले जा रहे होते हैं। वो लोग जर्मनी में आकर फंस गए थे, जिसकी वजह से वो लोग नाजी सेना से खुद को सर्वाइव करते हुए आगे बढ़ रहे होते हैं। फिर रात बिताने के लिए वो लोग एक जंगल के पास में रुक जाते हैं एंड फिर वहीं पर पास में उनके ग्रुप के 2 सोल्जर को एक दूसरा सोल्जर दिखाई देता है जो ठंड के मारे बिल्कुल कांप रहा होता है। फिर वो दोनों उसको पकड़कर अपने बाकी के लोगों के पास में ले जाते हैं। फिर वो लोग उससे बात करते हुए उससे ये पूछते हैं कि क्या वो जर्मन सैनिक है, जिसके जवाब में वो सोल्जर उन लोगों को ये बताता है कि वो जर्मन सैनिक नहीं है। इसके बाद में वो लोग उसको नहीं मारते और उसको अपने साथ में रख लेते हैं, लेकिन तभी उनका जो कमांडर होता है वो वहां पर मर जाता है। वो लोग उसको वहीं पर दफनाकर आगे बढ़ते हैं। वो लोग अपने ग्रुप के एक पॉप नाम के आदमी के दोस्त के घर पर जा रहे होते हैं। उनके ग्रुप में एक सार्जेंट नाम का आदमी होता है जिसको हमेशा दारू की तलब लगती रहती है, और उन्हीं के ग्रुप में एक लेडी भी होती है जो प्रेग्नेंट होती है और उसका बच्चा थोड़े ही दिनों में होने वाला था। फिर उसके बाद हम एक दूसरे नाजी सोल्जर के ग्रुप को देखते हैं। एक नाजी सोल्जर अपने कमांडर के पास में आकर उसको ये बताता है कि रेड गोस्ट ने 4 सैनिकों को मार दिया है। फिर उसके बाद में कमांडर अपने बाकी के सैनिकों को लेकर वहां से चला जाता है। फिर उसके बाद हम रूसी सोल्जर के ग्रुप को देखते हैं। फाइनली वो लोग पॉप्स के दोस्त के घर के पास में पहुंच जाते हैं। फिर जैसे ही वो लोग उस घर में जाकर देखते हैं तो वो घर खाली होता है, वहां पर कोई भी नहीं होता। वहां पर एक टेबल के ऊपर दारू की बोतल के साथ में कुछ खाने पीने का सामान होता है। दारू की बोतल देखने के बाद में सर्जेंट से कंट्रोल नहीं होता, वो उसको पीने की कोशिश करने लगता है, लेकिन तभी एक कोस्टियन नाम का ऑफिसर आकर उसको पीने से रोक देता है क्योंकि उसको ये पता था कि ये नाजी सोल्जर की चाल हो सकती है। उन लोगों ने दारू के अंदर और खाने के अंदर जहर मिला रखा होगा, ये बस सर्जेंट को नहीं पता होती एंड इसी वजह से वो कोस्टिया से लड़ाई करने लगता है। फिर पॉप्स आकर उन दोनों की लड़ाई छुड़वाता है। फिर उसके बाद में वो अपने ग्रुप के साथ में खाने पीने का सामान ढूंढने वहां से चला जाता है। उसने उस घर में उस प्रेग्नेंट लेडी के साथ में सर्जेंट को छोड़ दिया था। फिर जैसे ही वो लोग वहां से चले जाते हैं, थोड़ी देर बाद वहां पर नाजी आ जाते हैं एंड उनको यहां पर आता हुआ देख वो प्रेग्नेंट लेडी एक बड़े से बक्से में जाकर छुप जाती है। सर्जेंट वहां से अपनी जान बचाकर भाग जाता है। फिर उसके बाद में वो सभी नाजी घर में आ जाते हैं। फिर उनका एक सोल्जर कमांडर को ये बताता है कि उसने इस खाने में जहर मिलाया है। फिर उनका कमांडर अपने यूनिट से खाना इंतजाम करने का ऑर्डर देता है। ये सारी चीजें वो प्रेग्नेंट लेडी उस बक्से में से देख रही होती है। फिर उसके बाद में एक नाजी सोल्जर एक जानवर को पकड़कर लाता है, जिसके बाद में वो सभी लोग उसको मारकर घर के बाहर पकाना शुरू कर देते हैं। फिर उसके बाद में सर्जेंट अपने बाकी साथियों के पास में पहुंचकर नाजी सोल्जर के बारे में सारी बातें बताता है। तभी उनमें से एक आदमी सर्जेंट को चाटा मारता है क्योंकि उसने उस प्रेग्नेंट लेडी को उसी घर में छोड़ दिया था। फिर उसके बाद में वो सभी लोग देखते हैं कि वो सभी नाजी सोल्जर उसी घर के बाहर ही खाना पका रहे होते हैं। फिर उसके बाद हम उस प्रेग्नेंट लेडी को देखते हैं, उसको उस बक्से के अंदर बहुत ज्यादा पसीना हो रहा होता है, लेकिन तभी अचानक से उसका सर बक्से से टकरा जाता है, जिसके बाद में वो नाजी सोल्जर उसको देख लेते हैं। फिर उसके बाद में कमांडर उसको बक्से से बाहर निकालकर उसके बारे में पूछने लगता है। वो प्रेग्नेंट लेडी उन लोगों से जर्मन भाषा में बात करने लगती है, जिसमें वो उन लोगों को ये बताती है कि वो इसी घर में रहती है, ये घर उसके चाचा का है। उसने जब उन लोगों को आता हुआ देखा तो वो पूरी तरह डर गई थी, जिसके वजह से वो इस बक्से में जाकर छुप जाती है। लेकिन तभी एक नाजी सोल्जर को उसकी आईडी मिल जाती है। फिर वो इस आईडी को कमांडर को
दिखा देता है, जिसके बाद में कमांडर अपने लोगों को उसको मारने के लिए कह देता है। फिर उसके बाद में नाजी सोल्जर उसको घर के बाहर ले आते हैं, फिर वो सभी के सामने उसको गोली मारने जा रहे होते हैं। उसके ग्रुप के लोग ये सारी चीजें दूर से देख रहे होते हैं, लेकिन वो लोग भी कुछ नहीं कर सकते थे क्योंकि वहां पर बहुत सारे नाजी सोल्जर होते हैं। जिसके बाद में उस प्रेग्नेंट लेडी को बचाने रेड गोस्ट आ जाता है, वो वहां पर सबसे पहले उसी को गोली मारता है जो उस प्रेग्नेंट लेडी को शूट करने जा रहा था। फिर वो वहां पर बारी बारी और दो तीन लोगों को मारकर एक लकड़ी के घर में जाकर छुप जाता है। वो प्रेग्नेंट लेडी एक भूसे में जाकर छुप जाती है एंड तभी उसके साथी भी नाजी सोल्जर के ऊपर हमला कर देते हैं एंड फिर वो सभी लोग मिलकर नाजी सोल्जर का मुकाबला करते हैं एंड इस लड़ाई में सभी नाजी सोल्जर्स मारे जाते हैं, लेकिन कमांडर और उसका एक साथी बच जाता है। कमांडर इस वजह से बच जाता है क्योंकि वो उस घर में नंगा होकर सो रहा होता है, लेकिन तभी उसका साथी वहां पर मारा जाता है, जिसके बाद में कमांडर एक लड़की के कपड़े पहनकर वहां से भाग जाता है। उसके बाद में वो सभी रूसी सोल्जर घर में जाकर सबसे पहले उन लोगों का खाना खाते हैं। फिर सर्जेंट थोड़ा सा खाना बचाकर कोस्टिया को देने जाता है क्योंकि कोस्टिया घर के बाहर पहरा दे रहा होता है। तभी उसका पैर एक मरे हुए नाजी सोल्जर से टकरा जाता है, जिसके बाद में उसे गुस्सा आ जाता है और वो उसको मारने लगता है एंड दो तीन लात मारकर सर्जेंट वहां से चला जाता है। फिर थोड़ी देर बाद में हमें ये पता चलता है कि वो नाजी सोल्जर अभी तक जिंदा होता है एंड वो मौका देखकर वहां से भाग जाता है। फिर उसके बाद हम कमांडर को देखते हैं, कमांडर अपनी जान बचाकर अपने बाकी के सोल्जर के पास में चला जाता है। फिर वहां पर वो उन लोगों को सारी बातें बता देता है। थोड़ी देर बाद रेड गोस्ट अचानक से अपनी बंदूक में गोली भरने लगता है क्योंकि उसको ये पता चल जाता है कि नाजी सोल्जर्स यहां पर आ चुके हैं। इसके बाद में वो सभी लोग भी तैयार हो जाते हैं उन लोगों से मुकाबले के लिए। तभी अचानक से उस लेडी के पेट में दर्द होना शुरू हो जाता है, जिसके बाद में पॉप्स उसकी मदद करता है उसका बच्चा पैदा करने में। थोड़ी देर बाद फाइनली उसका बच्चा सही सलामत पैदा हो जाता है, जिसके बाद में वो अपने बच्चे को लेकर एक कोने में जाकर छुप जाती है एंड इधर नाजी सोल्जर दूर से ही उस घर के आसपास बम फेंकना शुरू कर देते हैं, जिसकी वजह से बहुत बड़े बड़े धमाके होते हैं एंड फिर यहां से नाजी सोल्जर और उन लोगों के बीच में फायरिंग शुरू हो जाती है। थोड़ी देर बाद सारे नाजी सोल्जर के साथ में रूसी सोल्जर भी मर जाते हैं। उस घर के अंदर वो लेडी और उसका बच्चा और उसके साथ में वो सोल्जर भी बच जाता है जिस सोल्जर को उन लोगों ने पकड़ा था। फाइनली कमांडर का मुकाबला रेड गोस्ट से होता है, इन दोनों के बीच में एक फाइट होती है एंड फाइनली कमांडर मारा जाता है एंड तभी एक नाजी रेड गोस्ट के ऊपर फायरिंग कर देता है एंड वो नाजी कोई और नहीं बल्कि वही होता है जो जिंदा बचकर भाग गया था एंड वो खुश होने लगता है कि उसने रेड गोस्ट को मार दिया है एंड तभी अचानक से उसको एक गोली लगती है जिस गोली को कोस्टिया ने चलाया था एंड यहाँ पर हमें ये पता चलता है कि उन दोनों के साथ कोस्टिया भी जिंदा बच जाता है। फिर यहाँ पर सीन चेंज हो जाता है, फिर हम दोबारा से कुछ नाजी सोल्जर को देखते हैं एंड उन लोगों ने इस बार भी उसी एक्टर को पकड़ लिया होता है एंड वो उस एक्टर से रेड गोस्ट के बारे में पूछने लगते हैं, जिसके जवाब में वो एक्टर उन लोगों को ये बोलता है कि उत्तरी दिशा में 500 मीटर तक चले जाओ एंड वहीं पर तुम्हें तुम्हारे लोगों की लाश दिखेगी एंड थोड़ी देर बाद में वहां पर रेड गोस्ट आ जाएगा। एंड ये सुनने के बाद में नाजी कमांडर को मजाक लगने लगता है, जिसके बाद में वो अपने सोल्जर को उसको शूट करने का ऑर्डर दे देता है एंड जैसे ही वो लोग उसको शूट करने जा रहे होते हैं तभी उनके ऊपर अचानक से गोलियां चलनी शुरू हो जाती है। वहां पर खड़ी पब्लिक भी उन लोगों को मारने लगती है। फिर थोड़ी देर बाद में सारे नाजी मर जाते हैं और वहां पर रेड गोस्ट आ जाता है। यहां पर हमें ये पता चलता है कि रेड गोस्ट अभी तक जिंदा है। उसके बाद में वो हमेशा की तरह वही काम करता है, वो सभी नाजी सेना से खाने पीने का सामान लेकर वहां से चला जाता है एंड यहां पर ये मूवी खत्म हो जाती है। तो दोस्तों आज की वीडियो में सिर्फ इतना ही, मैं मिलूंगा आपको नई वीडियो में नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।